नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। तहसील कर्नलगंज इस समय रिश्वतखोरी को लेकर काफी चर्चा में है, जहां तहसील कार्यालय में कार्यकर्ता कर्मियों के अलावा लेखपाल कानून गो द्वारा आम जनता से विभिन्न शासकीय व अन्य आवश्यक कार्यों के बदले खुलेआम रिश्वतखोरी कर अवैध वसूली करने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे स्थानीय अधिकारियों की निरंकुश कार्यप्रणाली सामने आ रही है, जो सवालिय घेरे में है। मामला तहसील कर्नलगंज का है, जहां आए दिन बेखौफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का कारनामा सामने आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। बताते चले कि अभी विगत दिनों पीपरी के लेखपाल का वीडियो वायरल होने का मुकदमा तक पंजीकृत हुआ और उसके पश्चात कटरा बाजार का मामला सामने आया, जो अभी भी ठंडा नहीं हुआ है कि तीसरा वीडियो फिर वायरल हुआ है, जो गोगिया के लेखपाल शिव शरण श्रीवास्तव का है, जिनके द्वारा खसरा बनाने के नाम पर पीड़ित से ही पैसा लिया गया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जनपद के तेज तर्रार कहे जाने वाले जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही की कार्रवाई का भी लेखपाल और तहसील कर्मियों को कोई खौफ नहीं है, जबकि यह वीडियो तहसील कार्यालय की बताई जाती है, जहां पर उप जिला अधिकारी व तहसीलदार मौजूद रहते हैं। बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट।